पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में पंजाबी सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उनके साथ कांग्रेस नेता राज बब्बर और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पंजाबी समाज में बहुत मेहनत की है, हरियाणा के विकास में काफी योगदान दिया है, इनके वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, उनका हर जगह मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सम्मेलन के दौरान उदय भान और राज बब्बर ने भी लोगों को संबोधित किया। थोते नारे हैं अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। जी सर, 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो चुका है, तो ऐसे में कैसे उसको देखते हैं? हरियाणा को बर्बाद करके रखा है। आज पूरे देश में महंगाई में नंबर एक है और बेरोजगारी में नंबर एक है, और इस पर देश को सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने असुरक्षित डिक्लेयर किया है। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात जी। ये जिम्मेवारी उनकी थी ना, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। लोग समझते हैं ना, जो ये दे रखा है कौशल रोजगार निगम, अच्छी नौकरी दे रहे हैं जी। युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख पहले साल करेंगे, 50,000 हर साल। झूठी दुकान है मुख्यमंत्री की, जो है ना झूठी दुकान उठाए फिर रहे हैं, झूठ की दुकान है। सीएम के रूप में कौन बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? एमएलए करेंगे फैसला, हाईकमांड करेगी फैसला, ऑब्जर्वर देखेंगे, समझे?